नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सिंपल स्लीवलेस कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने अस्तर और कपड़ा लिया हुआ है। तो हम सबसे पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। कुर्ती का कटिंग करने के लिए सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे और फोल्डेड साइड अपने साइड रखेंगे। तो मैंने फोल्डेड साइड खुद के साइड रख लिया है और हम इसमें कुर्ती का मार्क करेंगे। तो हमारे कुर्ती की तैयार लंबाई है 28 इंच, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। शोल्डर है हमारा 5.5 इंच, आप अपने शोल्डर के हिसाब से लें। और आर्म होल है हमारा 6 इंच। तो मैं स्लीव लेस कुर्ती बना रही हूँ इसलिए 6 इंच पर निशान लगाया है। अगर आप स्लीव वाला बनाना चाहते हैं तो आप 5.5 इंच लें जितना शोल्डर लिया। और आर्म होल से हम कमर का नाप लेंगे तो 6 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद शोल्डर पे हम टेप रखेंगे और नीचे हिप का हम नाप लेंगे 19 इंच। और कमर से हमारा हिप का नाप आता है 7 इंच। चेस्ट है हमारा 28 इंच, तो फोर्थ होता है 7 इंच, तो 7 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। और कमर है हमारा 24 इंच, तो फोर्थ होता है 6 इंच। हिप है हमारा 32 इंच, तो फोर्थ होता है 8 इंच, तो हम 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। और नीचे हम अपना घेरा भी 8 इंच पर रखेंगे। तो जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही मार्क कर लेंगे। सिलाई मार्जिन हम 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं, तो हम 1.5 इंच पर लेंगे। चारों तरफ हम 1.5 इंच पर सिलाई मार्जिन लेंगे आर्म होल को छोड़ के। आर्म होल हम बैक साइड का लेंगे 1.5 इंच और फ्रंट साइड का लेंगे 1 इंच। आपको ऐसे बनाने में दिक्कत अगर हो रही है तो आप सबसे पहले टेप को आर्म होल पे रखें और फोल्ड करके सेंटर निकाल लें और फिर मार्क करके गुलाई दे दें। फ्रंट का भी हम लगा लेंगे। अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो बैक आर्म होल पर ही हम कट करेंगे। तो हम फोल्डेड साइड को कट कर लेंगे। अब हम नेक का मार्क करेंगे। तो गले के लिए हम लेंगे 3.5 इंच। हम बोट नेक बनाएंगे इसलिए हम 3.5 इंच पर ले रहे हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और गले की लंबाई है 3.5 इंच। बॉक्स बना के गुलाई दे देंगे। तो हमने अस्तर पर कटिंग कर लिया है। अब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को भी हम 4 फोल्ड करेंगे। यह हमारा कुर्ती का बचा हुआ कपड़ा था इसलिए थोड़ा कम पड़ रहा है। तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो हमने जो अस्तर कटिंग किया था उसे हम कपड़े पे रख देंगे और कपड़े को भी उसी की तरह कट कर लेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है और ये अस्तर। हमने आगे का मतलब कि फ्रंट का आर्म होल जो है उसे कट नहीं किया था, तो हम उसे कट कर लेंगे। अब हम पीछे के गले का मार्क करेंगे। तो पीछे का भी हम गला लेंगे 3.5 इंच और लंबाई है 4 इंच। बॉक्स बना के इसे भी गुलाई में शेप दे देंगे। तो हम गले का कट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट साइड को ऐसे खोल लेंगे और ये जो हमने मार्क किया है उसे थोड़ा डार्क कर लेंगे और फोल्ड करके दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे।
तो देखिए हमारा दूसरा साइड भी लग गया है, अब हम इसे भी डार्क कर लेंगे। इसी तरह हम पीछे के पल्ले में भी कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट का कपड़ा लेंगे, उसे सीधा रखेंगे और उसका अस्तर जो है हमने जो निशान लगाया उसे ऊपर साइड करके एकदम सीधा रख देना है इसी के ऊपर। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और आर्म होल पे। तो हमने जहाँ पे निशान लगाया था वहीं पे ही सिलाई चलाना है। और दोनों साइड आर्म होल पे भी हम सिलाई चला लेंगे और कहीं नहीं चलाना है। तो देखिए हमने सिलाई चला लिया है, अब हम इसे कट करेंगे और आर्म होल में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें नॉचेस लगाएंगे, कट लगाएंगे ताकि हमारी गले की गोलाई अच्छे से बनी रहे, अच्छे से बने। अगर हम ये कट नहीं लगाएंगे तो हमारे गले की गोलाई या फिर जो राउंड शेप बनता है वो अच्छे से नहीं बनेगा, कपड़ा खींच जाएगा। अब हम इसे पलट देंगे। तो मैंने पलट दिया है, अब हम इसे प्रेस करके इसे सेट कर लेंगे। तो मैंने प्रेस कर दिया है, ये देखिए सेट हो चुका है। अब हम उसी तरह बैक का पार्ट लेंगे और बैक के पार्ट को भी उसी तरह रख के सिलाई पे जो हमने मार्क किया था उस पे सिलाई चला देना है। यहाँ पे हमें सिलाई चला देना है और आर्म होल पे। तो हमने इसमें भी जहाँ पे निशान लगाया था वहाँ पे सिलाई चला दिया है। आर्म होल पे भी सिलाई चला देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो फ्रंट का पार्ट जो हमारा शोल्डर है उसे यहाँ पे रख के यहाँ पे निशान लगा देंगे ताकि हमारा जो शोल्डर है कम या ज़्यादा ना हो। फिर सिलाई चला देंगे, उसी तरह दूसरे साइड भी निशान लगा के सिलाई चला देंगे। इसे भी कट करके हम यहाँ पे कट लगाएंगे गले पे और आर्म होल पे। अब हम इसे पलटाएंगे नहीं, हम इसे ऊपर की साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर आगे का पार्ट लेंगे, उसे हम उल्टा साइड लेंगे, ऐसे उल्टा साइड, और हम शोल्डर से शोल्डर को ऐसे घुसा के मिला लेंगे, अच्छे तरह मिला लेंगे और इस यहाँ पे पिनअप कर लेंगे। इसी तरह दूसरे शोल्डर को भी हम कर लेंगे। यहाँ पे भी हम एकदम अच्छे से मिला के पिनअप कर लेंगे। और दोनों शोल्डर पे हम सिलाई चला देंगे। तो देखिए हमने दोनों शोल्डर पर सिलाई चला दिया है। अब हम इसे पलटा देंगे। पलटाने के बाद देखिए फिनिशिंग कितना अच्छा आया है। इस तरह करने से फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। दूसरे साइड का भी फिनिशिंग बहुत अच्छा आया है। तो अब हम इसे दूसरे साइड का भी प्रेस से बैठा देंगे। यहाँ पे इसे हम प्रेस करके अच्छे तरह से सेट कर लेंगे। तो
तो मैंने दोनों साइड प्रेस करके सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कपड़े को उल्टा साइड लेंगे, जो हमने निशान लगाया था फिटिंग वाला, ये जो हमने निशान लगाया फिटिंग वाला, इसे हम डार्क करेंगे और फोल्ड करके दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमारा दूसरे साइड भी निशान लग गया। अब इसे भी डार्क कर लेते हैं और हम यहाँ पे सिलाई चलाएंगे। सिर्फ हमें यहीं तक सिलाई चलाना है और नीचे साइड नहीं चलाना है, इस साइड भी इसी तरह सिलाई चलाना है। तो हम सिलाई चला लेंगे। तो हमें सिर्फ यहीं तक सिलाई चलाना है। अब हम यहाँ पे लॉक करके कपड़े को फिर से मोड़ के डबल सिलाई चला देंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड भी कर लेंगे। तो देखिए मैंने दूसरे साइड भी सिलाई चला दिया है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े को ऐसे फोल्ड करके, इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे प्रेस की सहायता से सेट कर लेना है। चारों तरफ हमें ऐसे ही करना है, दूसरे साइड भी। तो देखिए मैंने प्रेस कर दिया है, प्रेस की सहायता से मैंने इसे सेट कर लिया है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिलाई चला लेंगे। अब हमें यहाँ तक आने के बाद सुई को नीचे रखना है और कपड़े को ऐसे घुमा के दूसरे साइड का कपड़ा खींच के यहाँ पे बॉक्स बनाना है। तो हम सिलाई सीधे चला लेंगे थोड़ा सा। यहाँ तक आने के बाद फिर से हम कपड़े को मतलब कि सुई नीचे करेंगे और कपड़े को ऐसे मोड़ के सीधा सिलाई चला देना है। और हमें चारों तरफ सिलाई चलाना है ऐसे ही, दूसरे साइड भी। तो देखिए मैंने चारों तरफ सिलाई चला दिया है और दूसरे साइड भी चला दिया है। अब हम कपड़े को सीधा करते हैं, मतलब कि कुर्ती को हम सीधा करते हैं। तो देखिए हमारा कुर्ती बनके तैयार है। आई होप आपको हमारा कुर्ती पसंद आया होगा और हमारा वीडियो भी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।